linear transformations and their matrix representation का वीडियो नंबर 10 फॉर बीएससी एंड एमएससी मैथ्स, कहीं कहीं बीएससी क्लासेस में तो कहीं एमएससी में होता है, एंड यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स। ठीक है, पीजीटी मैथ में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से बच्चन बोर्ड से भी, एंड जो राजकीय इंटर कॉलेज होता है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी यहाँ से देखा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन वीडियोस नंबर है 10, 9 वीडियोस इस टॉपिक्स की आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन पे एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन चल रहा है। जैसे कि इस वीडियोज का क्वेश्चन है, सो करना है सो दैट द मैपिंग, एक मैपिंग है, सो दैट द मैपिंग टी सेट आर क्यू टेंस टू आर स्क्वायर। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यू का आर स्क्वायर में है, आर क्यू टेंस टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी अल्फा बीटा एंड गामा टेंस टू अल्फा बीटा, वेहद अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू आर क्यू इज ए होमोमॉर्फिज्म इज ए होमोमॉर्फिज्म या इसको कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू जो रियल है ऑनटो टू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर स्पेस आर क्यू आर ऑनटो आर स्क्वायर, सो दैट द मैपिंग टी सेट आर क्यू टेंस टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई दैट टी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा में फॉर एवरी वैल्यू अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर क्यू इज ए होमोमॉर्फिस या लीनियर ट्रांसफॉर्म टू द वेक्टर स्पेस आर क्यू टू ऑनटो टू आर स्क्वायर। ये हमको सो करना, लेते हैं सोल्यूशन। लेट अल्फा वन बीटा वन एंड गामा वन, अल्फा टू बीटा टू एंड गामा टू बिलोंग्स टू आर क्यू आर क्यू। ठीक है, ये लाई कर रहा है आर क्यू में वी एन आर्बिटरी वी एन आर्बिटरी वेक्टर्स एंड लेट अल्फा लेट ए बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, अल्फा वन बीटा वन गामा वन एंड अल्फा टू बीटा टू गामा टू ये क्या है आर्बिटरी वेक्टर्स है एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब लेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ए अल्फा वन बीटा वन गामा वन प्लस का बी अल्फा टू बीटा टू गामा टू इक्वल टू हो जाएगा टी ए अल्फा वन प्लस का बी अल्फा टू कोमा ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू एंड ए गामा वन प्लस का बी गामा टू। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए अल्फा वन प्लस का बी अल्फा टू ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू एंड ए गामा वन प्लस का बी गामा टू। ठीक है, अब बात आती है जो गामा वाला एलिमेंट्स है फंक्शन में है ही नहीं, है ना, गामा वाला जो है अल्फा बीटा गामा टेंस टू अल्फा बीटा में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा में लाई कर रहा है यानी कि तीसरा एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा लाई कर रहा है, नहीं अल्फा का टर्म रहेगा बीटा का टर्म रहेगा गामा वाला टर्म सो ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम तो चूँकि टी अल्फा बीटा गामा जो कॉम्बिनेशन है वो अल्फा बीटा में लाई कर रहा तो ये वाला टर्म नेग्लेक्टिंग करना पड़ेगा या इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इतने को हम लिख सकते हैं, मान लीजिएगा जैसे टी ये अल्फा ये बीटा ये गामा, टी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा गामा तो क्या हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा यानी ए अल्फा वन प्लस का बी अल्फा टू कोमा ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू अल्फा और ये बीटा। इस टर्म के अकॉर्डिंग यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू था अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन दिस आ चुका है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कम्बाइंड है यानी ए में क्या हो सकता है अल्फा वन एंड बीटा वन एंड बी में क्या है अल्फा टू एंड बीटा टू, तो ए अल्फा वन बीटा वन को लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ
अल्फा वन बीटा वन गामा वन, एंड इसको लिख सकते हैं अल्फा टू बीटा टू को ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा टू एंड बीटा टू एंड गामा टू। ठीक है, तो देन सच टी इज ए होमोमॉर्फिस, इस प्रकार टी एक होमोमॉर्फिस्म है, होमोमॉर्फिस की कंडीशन शो कर रहा है। टी इज ए होमोमॉर्फिस यानी कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर क्यूब देन टी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, बराही कर रहा है यानी कि यह एक होमोमॉर्फिस है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन बराही किया है तो सेटिस्फाई कर चुका है यहाँ पे, तो इट इज ए होमोमॉर्फिस या लीनियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ वी द फील्ड, एफ कोई फील्ड है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एफ वी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट टी वी द फंक्शन, टी कोई फंक्शन से टी वी द फंक्शन फ्रॉम आर क्यूब ऑन टू आर स्क्वायर, आर क्यू ऑन टू आर क्यू, आर क्यू का आर क्यू में ही है, आर क्यू ऑन टू आर क्यू एंड डिफाइंड बाई, जो डिफाइन कर रहा है टी ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू प्लस टू ए थ्री कोमा टू ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री एंड माइनस ए वन माइनस टू ए टू, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्राइब द नल स्पेस ऑफ टी, डिस्क्राइब द न्यूलिटी ऑफ टी यानी कि नल स्पेस ऑफ टी, टी का नल स्पेस भी हमको डिस्क्राइब करना है या उसकी वैल्यूज फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस इसमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये ए थ्री है। सॉल्यूशन लेते हैं, लेट अल्फा को मानेंगे, अल्फा अल्फा में ए वन ए टू ए थ्री एंड बीटा में हो जाएगा बी वन बी टू बी थ्री वी एन टू वेक्टर्स इन आर क्यूब एंड ए वी बिलोंग्स टू आर, अल्फा में ए वन ए टू ए थ्री एंड बीटा है बी वन बी टू बी थ्री वी एनी टू वेक्टर्स इन आर क्यू एंड ए वी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे ए वी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए अल्फा प्लस का वी बीटा इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री प्लस का वी बी वन बी टू बी थ्री, तो ये हो जाएगा ए ए वन ए ए टू ए ए थ्री प्लस का बी बी वन बी बी टू एंड बी बी थ्री। ठीक है, तो इसका लीनियर कॉम्बाइंड अगर करना होगा तो ये पहला पहला एलिमेंट पहले के साथ ए ए वन प्लस का बी बी वन कोमा ए ए टू प्लस का बी बी टू कोमा ए ए थ्री प्लस का वी बी थ्री, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा का हमने कॉम्बाइंड बना लिया है पहले। ठीक है, अब उसका ट्रांसफॉर्म लेना है। ठीक है, लीनियर कॉम्बाइंड ए अल्फा प्लस बी बीटा, अब उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो पहले शो करना है इसको, इस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी को लीनियर ट्रांसफॉर्म शो करना है। देखिएगा किस तरह से इसको टी को लीनियर ट्रांसफॉर्म से शो करेंगे, तो टी ए अल्फा प्लस का वी बीटा इक्वल टू हो जाएगा टी ए ए वन प्लस का वी वी वन कोमा ए ए टू प्लस का वी वी टू कोमा ए थ्री प्लस का वी वी थ्री, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी गई है ट्रांसफॉर्म के टर्म में। अब ट्रांसफॉर्म क्या था, चूँकि ट्रांसफॉर्म था ए वन ए टू ए थ्री में ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, अगर तीन टर्म थे तो है ना, तो पहला दूसरा तीसरा, देखिएगा हमारे पास था चूँकि टी ऑफ ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू ए वन माइनस ए टू माइनस ए वन माइनस ए टू प्लस टू ए थ्री क्वेश्चन में दिया हुआ है कोमा टू ए वन प्लस ए टू माइनस का ए थ्री एंड माइनस ए वन माइनस का टू ए टू, ये कंडीशन थी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मान लिया ये ए वन हो गया
ये ए टू हो गया और ये ए थ्री का काम करेगा। तो ये सारी क्वांटिटीज़ ए वन ए टू बी बी वी टू होगा, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज़ इसी तरह में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये ए वन की जगह रख दें ए टू और ये ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री थे, सपोज़ ए वन ये ए टू ये ए थ्री, तो इस तरह से इसको रखा जाएगा। टी ए अल्फा प्लस का बी बीटा इक्वल टू चला टी ए ए वन प्लस का बी वी वन कोमा ए ए टू, यह वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले इसको लिख दिया जा रहा है ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे रखें ए वन माइनस ए टू, यानी ए ए वन प्लस का वी वी वन माइनस ए टू, ये हो गया ए ए टू माइनस का वी वी टू प्लस टू ए थ्री, इसका ट्वाइस टू ए ए थ्री प्लस का टू वी वी थ्री कॉमा, पहला हो चुका है। अब यहाँ पे लेंगे टू ए वन, टू ए वन यानी कि टू ए वन, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं टू ए वन, टू ए ए वन प्लस का टू बी वी वन प्लस ए टू, ए टू है ए ए टू प्लस का बी वी टू माइनस ए थ्री, ए थ्री है ए ए थ्री माइनस का बी वी थ्री, ठीक है। और तीसरा था कोमा माइनस ए वन, यानी माइनस का ए वन माइनस का बी वी वन माइनस का टू ए टू, यानी कि टू ए ए टू माइनस का बी टू बी वी टू, टू बी वी टू, ठीक है। अब इनको कंबाइंड करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्म में आ चुका है, इसका क्या करना, कंबाइंड ए अल्फा प्लस का वी बीटा इक्वल टू, ठीक है। अब ए वाला एक साथ लेंगे, ए वाले में अगर ए वन माइनस ए टू प्लस का टू ए थ्री, बी वाले में ऐसी बी वन माइनस बी टू प्लस टू बी थ्री एंड, ठीक है। ए वाला एक सम आ गया कोमा, ए वाले पहले पहले एलिमेंट ले लिया होंगे, उसके बाद ए आ गया बी आ गया उसके बाद कोमा ए, पहले पहले में ए ले लिया, इतने में ये कोमे से पहले है ए, फिर बी वाले, अब दूसरे में लेंगे ए वाले, तो ए वाले होंगे दूसरे वाले में ए वाला लिया जाएगा तो होगा टू ए वन, टू ए वन गुड, ए टू, टू ए वन प्लस, टू ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री प्लस का बी है टू बी वन, टू बी वन प्लस बी टू माइनस का बी थ्री कोमा, तो तीसरा वाला बनेगा ए माइनस का ए वन माइनस का टू ए टू प्लस का बी माइनस का बी वन माइनस का टू बी टू, तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगा ए ए वन माइनस ए टू प्लस का टू ए थ्री एंड टू ए वन प्लस का ए टू माइनस का ए थ्री एंड माइनस का ए वन माइनस का टू ए टू। अब ए वाले सारे एक साथ ले लेंगे ये और ये, ठीक है। अब ऐसे बी वाले लेंगे कोमा, नहीं अब तो प्लस आएगा प्लस का बी बी वन माइनस का बी टू, बी वाले प्लस टू बी थ्री कोमा टू बी वन प्लस बी टू माइनस का बी थ्री कोमा माइनस बी वन माइनस का टू बी टू, ठीक है। एंड टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्म, यानी उसी फॉर्म में आ चुका है जो कंडीशन हमको लीनियर ट्रांसफॉर्म में दे रखा था, ठीक है। जैसी कि कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्म में था उसी कंडीशन में निकल आया, जैसे कि ये था ए वन माइनस ए टू प्लस टू ए थ्री, ठीक है। दूसरा था टू ए वन, वही कंडीशन में आ चुका है, दोनों में उसी में आ चुका है, हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्म। अदर टी लीनियर ट्रांसफॉर्म होगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्म तो आ चुका है, ये कंडीशन हम वेरीफाई कर चुके हैं, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्म। अब लेना है डेफिनेशन ऑफ न्यूलिटीज, वाई द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, यानी कि एन टी इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू आर क्यूब, दैट एम्प्लाइज टी अल्फा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, जब न्यूलिटी होगा तो एलिमेंट उसमें जीरो जीरो लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो न्यूलिटी भी इसमें शो करना है, डिस्क्राइब द नल स्पेस, नल स्पेस को शो करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्म तो आ ही चुका है, ठीक है। अब कहेंगे कि टी अल्फा, टी अल्फा में जो एलिमेंट्स थे, यानी कि टी में जो एलिमेंट्स थे वो ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं, यानी कि ए वन माइनस का ए टू प्लस का टू ए थ्री कोमा टू ए वन, टू ए वन प्लस का ए टू माइनस का ए थ्री एंड माइनस ए वन माइनस का टू ए टू इक्वल टू जीरो जीरो जीरो,
इस फॉर्म से कंपेयरिंग करा देते हैं, यानी कि a1 माइनस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0 एंड 2a1 प्लस a2 माइनस का a3 इक्वल टू 0 एंड माइनस का a1 माइनस का 2a2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एक बन गया है। वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम बना है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सॉल्यूशन फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो इसको लेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ले लेते हैं तो कोफिशिएंट लिए जाएंगे 1, 2, -1, a1 का कोफिशिएंट, यहाँ a2 का, -1, 1, -2 एंड 2, -1 एंड 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसकी क्वांटिटीज़ जो भी पॉसिबल वैल्यू निकल जाएगी या इसकी रैंक जो भी आ जाएगी एंटीज में फाइंडिंग करना है। तो पहला स्टेप किया है r2 टेंस टू r2 माइनस 2r1 एंड r3 टेंस टू r3 प्लस r1। तो ये किया है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप करने से, यानी कि ये करने से बनेगा 1, 0, 0, -1, 3, -3 एंड 2, -5, 2। r2 में से 2r1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा r2 टेंस टू 2r2 माइनस 2r1 एंड r3 टेंस टू r3 प्लस r1। उसके बाद फिर से परफॉर्मिंग करते हैं, फिर करेंगे r3 टेंस टू r3 प्लस r2। r3 में को r2 अगर जोड़ लें तो ये 0 बन जाएगा। r3 टेंस टू r3 प्लस r2, तो ये 1 आ जाएगा हमारा। 1, 0, 0 तो है ही है, -1, 3, 0 ये नीचे वाला 0 बन जाएगा एंड 2, -5, -3 इस तरह से आ जाएगा। दिस मैट्रिक्स इज द एक्लैडियन फॉर्म। एक्लैडियन फॉर्म में आ चुकी है डायगनल, यहाँ पे 0, 0 है, यानी कि दिस मैट्रिक्स इज एन इज इन एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म में है, देन हैविंग द 3 नॉन जीरो रोस, हैविंग 3 नॉन जीरो रो, यानी कि रैंक इसकी क्या होगी, 3 होगी, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक इक्वल टू होगा 3। देन इक्वल नंबर्स अननोन है, यानी कि रैंक हम निकाल चुके हैं, 3 नॉन जीरो रो है, 3 नॉन जीरो रो में इसकी कंडीशन आ चुकी है, तो रैंक कितना होगा इसका, 3 होगा। रैंक तक फाइंड कर चुके हैं, न्यूलिटी में चल ही रहा है स्टेटमेंट। अब बात आती है जो इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा मिट गया है, एंट्री इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा a1 माइनस का a2 प्लस का 2a3 इक्वल टू 0 एंड 2a1 प्लस a2 माइनस का a3 इक्वल टू 0 एंड -a1 माइनस का 2a2 इक्वल टू 0। सॉल्विंग करें a1 बराबर 0 आ जाएगा, a2 भी 0 आ जाएगा एंड a3 बराबर 0, तो एंट्री इक्वल टू 0, 0, 0 इस तरह से ही निकल आएगी। अगर इनको सॉल्विंग करेंगे तो a1, a2, a3 तीनों की क्वांटिटीज़ 0 आ जाएगी। तो ये होगा इसका डेसिमल स्पेस ऑफ t, ठीक है। तो न्यूलिटी निकल आएगी इसका।